हाँ सर ठीक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो राज्य शास्त्र का फिफ्थ चैप्टर है, भारत तथा अन्य देश। अभी तक हमने जो जानकारी प्राप्त की है, भारत की विदेश नीति के बारे में पढ़ा, भारत की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पढ़ा कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है और किन किन चुनौतियों का सामना करके भारत देश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और अभी जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, राज्यशास्त्र का चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है भारत तथा अन्य देश। मतलब भारत के बाकी देशों के साथ भारत के संबंध कैसे हैं, भारत बाकी देशों को कैसी अपनी सहायता प्रदान करता है और बाकी और भी देश भारत की सहायता किस तरह से करते हैं, इसकी जानकारी हम इस चैप्टर में लेंगे। इसकी शुरुआत हम नेपाल देश से शुरू करेंगे, क्योंकि इसके पहले के जो बाकी देश है उनके संबंध कैसे है वो आप लोग पढ़ चुके हैं। अब हम ये देखेंगे कि भारत का नेपाल, भूटान, म्यांमार, मालदीव, अमेरिका तथा यूरोप, इन देशों के साथ भारत का संबंध कैसा है। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे नेपाल से। नेपाल और भूटान चारों ओर से पर्वतीय भूभाग से घिरा हुआ देश है। पहले तो हम नेपाल की जो भौगोलिक रचना कैसी है वो देखेंगे। तो नेपाल और भूटान ये जो देश है ये पर्वतों से घिरा हुआ देश है, उसकी सीमाएं भारत और चीन से जुड़ी हुई है। सीमा मीन्स वो जो भारत और चीन से वो जुड़ी हुई है। भारत और नेपाल के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों की नींव वर्ष 1950 में हुए भारत नेपाल मित्रता समझौता द्वारा रखी गई। क्या बोलते हैं, इन दोनों की जो मित्रता है वो 1950 में एक समझौते के दौरान रखी गई थी। इस समझौते से नेपाल के नागरिकों को भारत में आसानी से न केवल प्रवेश ही अपितु सरकारी नौकरी और उद्योग करने की अनुज्ञप्ति भी मिल गई है। क्या बोलते हैं, ये जो मित्रता हुई है भारत और नेपाल देश की, इनकी मित्रता बहुत अच्छी है। वहां के नागरिक, नेपाल के नागरिक भारत में आके कोई भी सरकारी नौकरी कर सकते हैं, उनको ये अनुज्ञप्ति मीन्स ये लाइसेंस मिल चुका है, यहाँ पे आके रह सकते हैं और यहाँ पे नौकरी भी कर सकते हैं। नेपाल में राजतंत्र था और वर्ष 1990 में नेपाल में लोकतंत्र की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। राजतंत्र और लोकतंत्र, जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है, मतलब भारत में जो प्रधानमंत्री का, पीएम का जो चुनाव, जो भी चुनाव होता है वो लोगों द्वारा चुना जाता है। आर्थिक प्रगति, बुनियादी सुविधाएं, अनाज संबंधी आवश्यकता, व्यापार तथा ऊर्जा के लिए नेपाल भारत पर निर्भर है। नेपाल में वर्ष 2015 में आए भूकंप के समय भारत ने नेपाल की सहायता की। क्या बोलते हैं कि भारत किन किन चीजों पर नेपाल पे डिपेंड है, जैसे आर्थिक प्रगति, बुनियादी सेवाएं, अनाज संबंधी आवश्यकता, व्यापार तथा ऊर्जा के लिए, व्यापार करने के लिए भारत नेपाल पे डिपेंडेंट है, उसकी सहायता लेते रहता है नेपाल की। और नेपाल में वर्ष 2015, अभी क्या चल रहा है 2022, मतलब 5-6 साल पहले नेपाल में जो भूकंप आया था, उस परिस्थिति में, उस टाइम पे भारत ने नेपाल की सहायता की थी। नेक्स्ट है भूटान देश। भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत पर है। जैसा कि हमने नेपाल के इसमें ही पढ़ा कि भूटान भी एक ऐसा देश है जो पर्वतों से घिरा हुआ है, ये भी पर्वतों से घिरा हुआ देश है।
और भूटान की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी भारत पर है। भारत ने भूटान की जिम्मेदारी ली हुई है, उसके सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत ने ली हुई है। भूटान में पानी का प्रचंड स्रोत है, मतलब भूटान में पानी बहुत ज्यादा है, बहुत प्रचंड स्रोत है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये जो बिजली बनाई जाती है वो पानी से ही बनाई जाती है, तो भारत में भूटान में पानी का प्रचंड स्रोत है। इसी पानी का उपयोग कर बड़ी मात्रा में बिजली निर्माण करने की परियोजना में भारत ने सहयोग दिया है। भारत से बिजली बनाई जाती है और बिजली बनती है पानी से, तो पानी का जो बहुत बड़ा सोर्स है, जो बहुत बड़ा स्रोत है, वो भूटान में है। तो भारत क्या भूटान को हेल्प करता है बिजली बनाने में। नेक्स्ट है म्यांमार। बच्चों बहुत इजी चैप्टर है ये। म्यांमार भारत के पूर्व की ओर स्थित दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को भारत से जोड़ने वाला प्रवेश द्वार है। बोलते हैं म्यांमार जो देश है, अगर हम भारत का नक्शा देखेंगे तो वो भारत के पूर्व साइड में है। इस भाग में विकसित हो रहे रेल मार्ग राजमार्ग के कारण दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया एक दूसरे के साथ जोड़े जाएंगे। इससे इस प्रदेश का व्यापार तथा आर्थिक लेन देन बढ़ा रहेगा। म्यांमार से भारत प्राकृतिक वायु की आयात कर सकता है। क्या बोलते हैं कि ये जो देश है वो रेल मार्ग और राजमार्ग से दक्षिण साइड और मध्य साइड दोनों साइड से जुड़ा हुआ है। इससे क्या होगा, इसकी वजह से इनके व्यापार करने की व्यापार करना, जो हर देश दूसरे देश से व्यापार करता है, लेन देन जो भी लेन देन आर्थिक लेन देन के जो साधन है वो इजी हो जाएंगे। नेक्स्ट है मालदीव देश। आरंभिक काल से ही भारत और मालदीव के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। बोलते हैं ये जो मालदीव देश है इसका संबंध भारत के साथ शुरुआत से ही अच्छा रहा है, मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, दोस्ती का संबंध रहा है। भारत के दक्षिण में स्थित यह राष्ट्र अनेक कारणों से भारत पे निर्भर है। बोलते ये जो मालदीव्स है वो भारत के दक्षिण साइड में ये देश है, उसकी वजह से ये बहुत सारी चीजों के लिए भारत पे डिपेंडेंट है, निर्भर है। वर्ष 1981 से इन दो राष्ट्रों ने व्यापारिक संबंध स्थापित किए हैं। बुनियादी क्षेत्रों का विकास, स्वास्थ्य, यातायात जैसे क्षेत्रों में भारत ने मालदीव की बड़ी मात्रा में आर्थिक सहायता की है। क्या बोलते हैं, भारत भी दूसरे देशों से भारत को भी सहायता मिलती है और भारत भी बड़ी उतनी ही तेज गति से दूसरे देशों की भी सहायता करता है। तो बोलते हैं जो भी सहायता है मालदीव्स की, चाहे वो हेल्थ से, स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, यातायात से रिलेटेड हो, तो ये सारी सहायता भारत मालदीव को देता है, चाहे वो आर्थिक सहायता हो। वर्ष 2006 के बाद उनमें रक्षा क्षेत्र में भी सहयोग की शुरुआत हुई। क्या बोलते हैं, 2006 के बाद सुरक्षा के मामले में भी भारत ने मालदीव की सहायता की है। भारत ने मालदीव को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए सहायता देना प्रारंभ किया। क्या बोलते हैं, भारत ने मालदीव की सुरक्षा व्यवस्था कैसे मजबूत होगी। हर देश अपने देश को सुरक्षित रखना चाहता है और उसे सुरक्षित रखने के लिए किन किन वेपन्स की जरूरत है, किसकी जरूरत है, वो सारी चीजों को वो कंप्लीट करता है। तो मालदीव की सुरक्षा के लिए क्या क्या जरूरतें हैं मालदीव्स की और उसकी सुरक्षा कैसे मजबूत होगी, हर स्थिति में भारत ने मालदीव की सहायता की है। अंतरिक्ष सहयोग, ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण, चाहे वो अंतरिक्ष में जाना हो, उसकी सहायता करनी हो, या फिर जो भी ऐतिहासिक चीजें हैं उसको किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटन जैसे क्षेत्रों में दोनों राष्ट्रों में समझौते हैं। पर्यटन मतलब पिकनिक, लोग घूमने के लिए मालदीव जाते हैं, मालदीव से भी लोग भारत में आते हैं, हाँ बहुत सारे देशों में लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो पर्यटन के टाइम हर एक चीज में भारत ने मालदीव की सहायता की है। इसी प्रकार आतंकवाद जैसी समस्या लड़ने के लिए भी परस्पर सहयोग करने का निश्चय किया है। आतंकवाद जो है वो हर देश की, ऐसा नहीं कि वो भारत की ही, आतंकवाद हर देश की सबसे बड़ी समस्या है, चाहे वो अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, मालदीव्स हो,
नेपाल हो, हर देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आतंकवाद। तो आतंकवाद जैसी समस्या से लड़ने के लिए भी भारत ने मालदीव्स को सपोर्ट किया है। अब ये तो रहा मालदीव्स के साथ भारत के संबंध। नेक्स्ट है भारत तथा अमेरिका। अब भारत और अमेरिका के संबंध कैसे हैं? भारत तथा अमेरिका लोकतांत्रिक व्यवस्था के दो प्रबल राष्ट्र हैं। अमेरिका आरंभ से ही भारत का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार था। क्या बोलते हैं कि अमेरिका तथा भारत दोनों बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्र हैं। अमेरिका शुरुआत से ही अमेरिका के भारत के साथ में व्यापारिक संबंध है। व्यापारिक संबंध मतलब व्यापार, दोनों देश एक दूसरे के साथ व्यापार आर्थिक लेन देन करते हैं। अनेक भारतीय शिक्षक नौकरी हेतु अमेरिका जाते थे। बोलते हैं अनेक भारतीय शिक्षक नहीं शिक्षा है, अनेक भारतीय शिक्षा और नौकरी हेतु अमेरिका जाते थे। क्या बोलते हैं, आज भी बहुत सारे भारतीय भारत के नागरिक हैं जो शिक्षा आगे की पढ़ाई करने के लिए या फिर नौकरी करने के लिए भारत में जाते हैं। वहाँ के इन अनिवासी भारतीयों के कारण अमेरिका और भारत में सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक संबंध बढ़ते गए। बोलते हैं कि वहाँ पे बहुत, अमेरिका में देखा जाए तो बहुत सारे भारतीय नागरिक है जो वहाँ पे रह रहे हैं, या तो शिक्षा प्राप्त करने गए हैं या तो वहाँ पे रह के नौकरी कर रहे हैं। तो जब वहाँ पे भारतीय लोग अमेरिका में जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे इनकी संस्कृति भी जाएगी साथ में। लोग अपनी संस्कृति भूलते नहीं है दूसरे देश में जाके। तो क्या बोलते हैं, उनके सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक सारे संबंध बढ़ गए हैं। शीत युद्ध के बाद भारत और अमेरिका में सुरक्षा संबंधी संबंध बड़ी मात्रा में बढ़े। बोलते जो शीत युद्ध हुआ, शीत युद्ध के बाद भारत और अमेरिका में जो संबंध है वो और अच्छे हुए। शीत युद्ध मतलब होता है कोई युद्ध नहीं होता, कोल्ड वॉर बोलते हैं जिसको, मतलब कोई युद्ध नहीं होता लेकिन युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई होती है, उसे शीत युद्ध बोलते हैं। भारत द्वारा उदारीकरण की नीति स्वीकार करने के बाद धीरे धीरे भारत की आर्थिक प्रगति की गति बढ़ने लगी है। बोलते हैं कि जब भारत ने उदारीकरण की नीति को स्वीकार किया उसके बाद भारत की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ। जब आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। आर्थिक मीन्स जब हमारा देश दूसरे देश से व्यापार करेगा तो वहां के पैसे हमारे देश में आएंगे और हमारे देश का विकास होगा। तो बोलते हैं उदारीकरण की जो नीति है, अभी आप लोग सोचेंगे कि उदारीकरण क्या होता है, जिसको मैं थोड़ा सा अलग करके बता, उदारीकरण मतलब उदार, व्यापार में उदारता। भारत ने जब व्यापार में उदारता दिखाई तब जाके भारत की आर्थिक प्रगति आगे बढ़ी। और ये जो उदारीकरण की नीति है वो 1991 में आई, 1991 में, 1991 के पहले ये उदारीकरण नीति नहीं थी। उदारीकरण का मतलब भारत अपने देश में ही व्यापार करता था। बाद में जब 1991 में उदारीकरण की नीति आई तो उदारीकरण का मतलब होता है व्यापार में थोड़ी सी ढील देना, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति, आर्थिक विकास में सहायता मिलती है। उदारीकरण मतलब बंद अर्थव्यवस्था को खोल देना, जिस तरह से व्यापार करना है दूसरे देशों के साथ, कहीं भी जाके हम व्यापार करके अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। पहले 1991 के पहले एक ही टीवी चैनल था, 1991 के पहले कोई ब्रांड नहीं था। अभी आप टीवी में देखोगे कितने सारे चैनल, इतने सारे चैनल आते हैं कि हम सोचते हैं ये देखे कि ये देखे, बच्चों के कार्टून्स पूरे भरे हुए रहते हैं चैनल से। तो 1991 के बाद जब उदारीकरण की नीति आई तो ये धीरे धीरे बढ़ गया। परिणाम स्वरूप भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध अधिक अधिक दृढ़ हो गए। बोलते जब उदारीकरण की नीति आई उसके बाद अमेरिका और भारत के बीच के जो संबंध है वो और भी मजबूत हो गए। वर्ष 1998 में भारत द्वारा परमाणु परीक्षण करने के बाद कुछ समय तक भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में तनाव निर्माण हुआ था। पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था भारत ने। बोलते हैं कि जब ये परमाणु परीक्षण हुआ था तो भारत और अमेरिका के बीच में थोड़ा तनाव की स्थिति पैदा हुई थी, लेकिन थोड़े टाइम बाद ये चीजें भी सुधर गई। इसके बाद संबंधों में सुधार हो इसके लिए भारत और अमेरिका के बीच बातचीत की अनेक बैठक कर ली गई।
कई बार चर्चाएं हुई। इन चर्चाओं द्वारा अमेरिका को यह विश्वास हो गया कि भारत परमाणु हथियारों का दायित्व पूर्वक उपयोग करेगा। जब भारत में परमाणु परीक्षण किया 1998 में, तो अमेरिका और भारत के बीच में थोड़े से मनमुटाव हुए। अब इस मनमुटाव को कैसे खत्म किया जाए, दोनों देश ने आपस में बैठ के चर्चा की, बात की। जब अमेरिका को ये विश्वास हो गया कि भारत परमाणु बम का उपयोग, हथियार का उपयोग दायित्व पूर्वक करेगा, मतलब उसकी सुरक्षा पे उसे कोई खतरा नहीं है, तब जाके इन दोनों के हालात फिर सुधर गए। भारत और अमेरिका के संबंध में आमूलाग्र परिवर्तन हुआ। वर्ष 2005 में हुआ सुरक्षा संबंधी सहयोग का समझौता और वर्ष 2008 में हुआ परमाणु सहयोग का समझौता। भारत अमेरिका के संबंधों के महत्वपूर्ण चरण है। विगत 5 वर्षों में भारत और अमेरिका के दरमियान सभी क्षेत्र में सहयोग के संबंध निर्माण हुए। ये तो हुआ भारत और अमेरिका के साथ संबंध। नेक्स्ट है भारत और रूस देश। जो रूस देश है उनके साथ भारत के संबंध कैसे हैं? भारत और सोवियत रशिया और वर्तमान रूस के बीच प्रारंभ से ही मित्रता के संबंध थे। क्या बोलते हैं, भारत और रूस के बीच, जैसे भारत और अमेरिका के संबंध, भारत और मालदीव के संबंध शुरुआत से ही अच्छे थे, उसी तरह से भारत, सोवियत, रशिया और रूस के बीच इन तीनों के संबंध जो थे वो मित्रतापूर्ण थे, मैत्रिक संबंध थे। शीत युद्ध के काल में वर्ष 1973 में उनमें मित्रता का समझौता हुआ। क्या बोलते हैं, जब शीत युद्ध चालू था, शीत युद्ध का मतलब होता है कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, सिर्फ युद्ध का माहौल बनता है, बोलते उस टाइम पे जो समझौता हुआ था, उसी टाइम पे 1971 में मित्रता का समझौता हुआ तथा उसमें से रक्षा संबंधी उसी प्रकार आर्थिक और तकनीकी वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा मिला। सोवियत रशिया ने भारत को बड़ी मात्रा में आर्थिक और सैन्य सहायता प्रदान की। क्या बोलते हैं कि सोवियत रशिया ने भारत को आर्थिक और सैनिकी सहायता प्रदान की। सैनिकी जैसे सुरक्षा हेतु उन्होंने बोला, अगर आपके ऊपर कोई भी आक्रमण अगर होगा तो हम आपको अपनी सैनिकी सुरक्षा देंगे, ये विश्वास सोवियत रशिया ने भारत को दिया। आरंभ में रूस की राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं के कारण संबंधों में बहुत अधिक सुधार नहीं हुआ। वर्ष 1996 के बाद भारत और रूस के बीच संबंध धीरे धीरे सुधरने लगे। सैन्य सामग्री का उत्पादन, खनिज तेल उत्पाद जैसे क्षेत्रों में भारत और रूस ने संयुक्त परियोजनाएं शुरू की। ये तो रहा भारत और रूस के संबंध। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है भारत और यूरोपीय राष्ट्र। यूरोपीय राष्ट्र और भारत के बीच व्यापारिक संबंध है। क्या बोलते हैं, जो यूरोप देश है और भारत के बीच का जो संबंध है यह व्यापारिक है। व्यापार की दृष्टि से दोनों के संबंध है। दोनों देश एक दूसरे से व्यापार करते हैं और इनके व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे हैं। प्रमुख रूप से जर्मनी और फ्रांस भारत में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में निवेश करते हैं। इसके अतिरिक्त भारत को यूरोपीय राष्ट्रों की ओर से शस्त्र निर्मिति का तकनीकी ज्ञान भी मिलता है। क्या बोलते हैं कि इनका व्यापारिक संबंध बहुत अच्छा है और शस्त्र कैसे बनाना है उसका टेक्निकल नॉलेज जो है भारत को यहीं से मिलता है। अभियांत्रिकी और सूचना तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र में भारत बड़ा निर्यात करने वाला देश है। दोनों का ही प्रमुख उद्देश्य खुले व्यापार पर बल देना है। क्या बोलते हैं, अभियांत्रिकी और सूचना तकनीकी के ज्ञान के क्षेत्र में, जैसे टेक्नोलॉजी हो गई, यंत्र हो गए, उनके क्षेत्र में भारत बहुत ही निर्यात करने वाला देश बन गया और इन्होंने खुले व्यापार पे बल दिया है, मतलब कोई बंधन नहीं होना चाहिए व्यापार में। इसके अलावा भारत और यूरोपीय राष्ट्र अन्य अनेक बातों में सहयोग की भूमिका निभाते हैं। जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा, सुरक्षा उत्पादन, साइबर सुरक्षा, अनुसंधान, रेल प्रबंधन, आपात प्रबंधन, हवाई सुरक्षा तथा आतंकवाद, इन संदर्भों में अनेक समझौते किए गए। भारत के विकास की दृष्टि से ये सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है।
क्या बोलते हैं, अगर भारत का विकास करना है तो ये सारे सहयोग मिलने चाहिए, जैसे सुरक्षा की दृष्टि से, आतंकवाद जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए। सर स्टार्ट कर दिया है मिस। भारत और यूरोपीय राष्ट्र, नेक्स्ट है भारत और अफ्रीका महाद्वीप। भारत और अफ्रीका महाद्वीप के सहयोग के लिए भारत ने सब प्रयोजन कदम उठाए हैं। अफ्रीका के साथ निकट के संबंध होना दोनों की दृष्टि से लाभदायी है। अफ्रीका के अनेक देश तीव्र गति से आर्थिक उन्नति कर रहे हैं। क्या बोलते, भारत और अफ्रीका महाद्वीप का भी जो आर्थिक रूप से जो इनके संबंध है वो बहुत अच्छे हैं, और अफ्रीका देश जो है आर्थिक क्षेत्र में बहुत तेजी से उन्नति कर रहा है। भारत ने अफ्रीका में युवा वर्ग का सर्वांगीण विकास होने के लिए सहायता करने की तैयारी दिखाई है। और भारत ने क्या सहायता दी है अफ्रीका वालों को कि वहाँ के जो युवा वर्ग हैं, जो नौजवान लोग हैं, उनका सर्वांगीण पूर्ण रूप से विकास किस तरह से होगा, इस तरह की सहायता करने की तैयारी भारत ने दिखाई है। जैसे शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, विज्ञान तथा तकनीकी ज्ञान, कृषि, पर्यटन जैसे सभी क्षेत्रों में विकास होने के लिए भारत ने आर्थिक सहायता करने की, अनुदान देने की तैयारी दिखाई है। तो भारत की ऊर्जा की आवश्यकता अफ्रीका के ऊर्जा संपन्न देश इजिप्त, नाइजीरिया, अंगोला, सूडान पूरी कर सकते हैं। अफ्रीका के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए भारत प्रयत्नशील है। बोलते हैं कि भारत ने भी अफ्रीका महाद्वीप की बहुत सारी सहायताएं की हैं, और भारत को जो वहां से सहायता मिलती है तो भारत में जो अफ्रीका में जो संपन्न देश हैं, ऊर्जा संपन्न देश जैसे इजिप्त, नाइजीरिया, अंगोला, उन जगह से भारत को सहायता मिलती है। वर्ष 2015 में संपन्न हुई भारत और अफ्रीका शिखर परिषद में अफ्रीका के सभी 54 राष्ट्रों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस परिषद में अनेक वैश्विक समस्याओं पर चर्चा की गई, जैसे जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, समुद्री तस्करी आदि। जैसा कि हम हर एक देश के साथ जो भारत का संबंध हम पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद की समस्या है। हेल्प करेंगे भारत तथा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में प्रमुख रूप से जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का समावेश होता है। इंडो पैसिफिक इसका, इसके अंदर कौन कौन से देश का समावेश है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण पूर्वी एशियाई, ये इन सभी देशों का समावेश है। इसका इसीलिए इसका नाम है इंडो पैसिफिक। इन सभी राष्ट्रों से भारत के घनिष्ठ और आर्थिक व्यापारिक संबंध है। बोलते ये सभी जो देश है इनके साथ भारत के आर्थिक व्यापारिक रूप से संबंध है। वहाँ की अनेक कंपनियों ने भारत में निवेश किया हुआ है। बोलते हैं वहाँ की बहुत सारी कंपनियां हैं, जापान की, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की, सभी कंपनियों ने भारत में इन्वेस्ट किया हुआ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया में सामाजिक सुरक्षा, अपराधियों का प्रत्यार्पण, नशीले पदार्थों की तस्करी विरोधी अभियान, पर्यटन, कला संस्कृति, इन क्षेत्रों में विविध अनुबंध किए गए हैं। तो बुनियादी सुविधा, आर्थिक सहयोग, संरक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा और रेल जैसे अनेक क्षेत्रों के विकास के लिए जापान भारत को सहयोग करता है। क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया इनमें सामाजिक सुरक्षा, अपराधियों का प्रत्यार्पण, नशीले पदार्थों की तस्करी विरोधी अभियान, मतलब जो भी अपराधी हैं उनका प्रत्यार्पण करने का, अपराध को खत्म कैसे करना है, जो तस्करी होती है, स्मगलिंग, नशीले पदार्थों की तस्करी मतलब स्मगलिंग को खत्म कैसे करना है, इन सब के ऊपर विचार किए जाते हैं। और भारत ने, जापान ने भारत को भी बहुत बड़ी सहायता प्रदान की है, आर्थिक और तकनीकी सहायता देना स्वीकार किया है। दोनों देशों के तटरक्षक दल और नौसेना में संयुक्त अभ्यास होता है। नेक्स्ट है भारत तथा दक्षिण पूर्वी एशिया।
आरंभ से ही भारत का इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया तथा ब्रुनेई जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्रों से सौहार्दपूर्ण संबंध है। दक्षिण पूर्वी एशिया, इसमें कौन कौन से जो देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सभी देशों के साथ भारत के सौहार्दपूर्ण संबंध है, बहुत ही अच्छे संबंध हैं। वर्ष 1991 के बाद भारत ने अपनी आर्थिक नीति में परिवर्तन कर आर्थिक उदारीकरण को स्वीकार किया। क्या बोलते हैं, पहले जो भारत व्यापार करता था, जो पहले भारत ने अपने देश में ही व्यापार करता था, तो अपने जैसे छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, अगर आप एक किसी एक एरिया में ही बंद के रहेंगे कि हमें इतने ही दूरी में जाके व्यापार करके आना है, तो आपकी उतनी ही आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। लेकिन अगर आप अपने व्यापार का जैसे थोड़ा दूर जाके व्यापार करेंगे, घूम घूम के यहाँ वहां से करेंगे, तो क्या होगा, आपकी आर्थिक स्थिति उतनी ही अच्छी हो जाएगी। तो पहले भारत में उदारीकरण की नीति नहीं थी, जैसे कि मैंने पहले ही समझाया। तो 1991 से भारत ने अपने व्यापार की स्थिति को चेंज किया और क्या किया, आर्थिक उदारीकरण को स्वीकार किया। आर्थिक उदारीकरण मतलब भारत देश किसी भी देश में, एक देश से दूसरे देश में व्यापारिक संबंध जब बनाएगा, व्यापार करेगा, तो भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और भारत भी एक शक्तिशाली राष्ट्र बन जाएगा। तो 1991 के बाद भारत ने आर्थिक उदारीकरण की नीति को स्वीकार किया था। उसके बाद दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के साथ चल रहे व्यापारिक संबंधों में अधिक वृद्धि हुई। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों से व्यापार बढ़ाने की यह नीति पूर्व की ओर देखो, लोक ईस्ट नाम से पहचानी जाती है। बोलते हैं कि ये जो नीति अपनाई गई दक्षिण पूर्वी एशियाई पूर्वी साइड में भी उन्होंने अपना व्यापार बढ़ाया, तो इसका नाम क्या लिखा था, लुक ईस्ट, पूर्वी की तरफ देखो। वर्ष 2014 के बाद यह नीति अधिक सक्रिय की गई। वर्तमान में नीति नाम से पहचानी जाती है। बोलते आगे जाके लुक ईस्ट ये जो नाम था, आगे जाके एक्ट ईस्ट नाम से इसे जाना गया। नेक्स्ट है भारत और पश्चिम एशिया। पश्चिम एशिया के देश प्रमुख रूप से खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने वाले देश है। बोलते हैं पश्चिम साइड में जो देश है वहां से हमें खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने वाले देश है, इस रूप में हमें वहां सहायता मिलती है। भारत के पश्चिमी एशियाई राष्ट्रों से पारंपरिक संबंध है। भारत पश्चिम एशियाई राष्ट्रों से प्राप्त होने वाले खनिज तेल पर निर्भर है। भारत जो खुदाई के दौरान जो तेल मिलता है उसके लिए भारत पश्चिम साइड पे पूरी तरह से डिपेंड है। तो पश्चिम साइड में कौन कौन से देश है, ईरान, इराक, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इन राष्ट्रों की ओर से भारत खनिज तेल का आयात करता, आयात मतलब वहां से वो खनिज तेल मंगाता है अपने देश में। तो भारत कृषि के लिए हमें आधुनिक तकनीकी ज्ञान इजराइल से मिलता है, और भारत में कृषि करने के लिए जो भी हमें टेक्निकल नॉलेज मिलता है वो इजराइल देश से मिलता है। रक्षा संबंधी आधुनिक सामग्री भी इजराइल से प्राप्त होती है। हमारी भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो नई नई जो वेपन्स आ रहे हैं, जो हथियार आ रहे हैं, इसकी भी जो जानकारी है भारत को इजराइल देश से ही प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त नौकरी व्यवसाय के लिए अनेक भारतीय वहां रहते हैं और अपनी आर्थिक व्यवस्था में उनका भी योगदान महत्वपूर्ण है। क्या बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे भारतीय भी है जो नौकरी करने के लिए इजराइल देश में जाकर वहां पे रहते हैं। सभी राष्ट्रों से मित्रतापूर्ण संबंध रखना और अपने साथ अन्य राष्ट्रों का भी विकास हो, इसके लिए एक दूसरे की सहायता करना भारत की विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य है। मतलब अगर हम किसी भी देशों के साथ मित्रता का संबंध रख रहे हैं तो उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी एक दूसरे के देशों पर आ जाती है। यही भारत की विदेश नीति का उद्देश्य है। हमने यहाँ भारत और विश्व के महत्वपूर्ण देशों के संबंधों की संक्षेप में समीक्षा की। अगले अध्याय में हम महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय तथा वैश्विक समस्याओं का
अध्ययन करेंगे। ये चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म हुआ। हमने जो अभी पढ़ा कि भारत का बाकी देशों के साथ संबंध कैसा है, कौन से देश के साथ उसे कैसी सहायता मिलती है, और भारत बाकी देशों को अपनी कौन कौन सी सहायता प्रदान करता है, इसकी जानकारी हमने प्राप्त की। अभी बच्चों जिसको समझ में नहीं आया वो रेज हैंड रेज करे, एक एक बच्चों को मैं समझाऊंगी, लेकिन वो हिस्ट्री से रिलेटेड ही मुझसे क्वेश्चन पूछेगा। लास्ट टाइम एक बच्ची ने मुझसे अनुवांशिक के बारे में पूछा था, मैं एक बार कंफ्यूज हो गई, अनुवांशिक तो मैंने पढ़ा ही नहीं, पर ये साइंस का चैप्टर है अनुवांशिक, तो बच्चों हिस्ट्री के लेक्चर में साइंस का क्वेश्चन ना पूछा जाए। अब आप हैंड रेस करके जो नहीं समझ में आया वो पूछ सकते हैं। किसी के रेज हैंड नहीं है मिस, तो लास्ट सर क्लास एंड कर दीजिए मिस। अच्छा अच्छा ओके ओके मिस, ठीक है। किसी को अगर कोई डाउट नहीं है तो हम ये चैप्टर यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। चलो थैंक यू, बाय।